किलो आसान सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी यशोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित हुई हूँ आपके सामने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें, और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरा वीडियो पूरा देखा करें। मैं एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट और नेचुरोपैथ पर भी अपना पूरा अधिकार रखती हूँ। मैं इससे संबंधित भी आपकी समस्याओं का निदान आपको देती हूँ। मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन के ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने जीवन में, चाहे वो हमारा व्यावसायिक क्षेत्र हो, हमारी नौकरी हो, हमारी दैनिक जीवन की, हमारी निजी लाइफ हो, या हमारे बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, हमें प्रतिदिन मानसिक तनाव बना ही रहता है। हम स्ट्रेस से कभी फ्री हो ही नहीं पाते हैं। इस तनाव के चलते हमारे किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता है, हमारे सारे कार्य जो भी हमारे सोचे होते बिगड़ने भी लगते हैं। और ये ग्रहों की पीड़ाएं हमें इतनी परेशान कर देती हैं कि हमारे जो भी कार्य बन भी रहे होते हैं इन ग्रहों की पीड़ाओं की वजह से वो बिगड़ने भी लगते हैं। तो जो मैं आपको प्रयोग देती हूँ वो प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर होते हैं, और प्रतिदिन के इन प्रयोगों के द्वारा एक ग्रह को आपके जन्मांक की, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आपकी कोई भी राशि हो, आप देश में, भारत में या विश्व में कहीं भी आप रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, स्त्री महिला पुरुष सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। आपको इन प्रयोगों के द्वारा आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं उनमें से प्रतिदिन एक ग्रह के उपाय कराकर उसकी पीड़ाओं को शांत किया जाता है, और मजबूत होता है तो उसकी मजबूती और बढ़ जाती है। इस तरह से ये दोनों ही प्रयोग आपको एक साथ करने होते हैं। आप जब दोनों प्रयोग यानी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर एक साथ करते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं और इनका असर आपको जल्दी दिखाई देता है। इन प्रयोगों को शुरू करने के साथ आपको पहले हफ्ते में ही आपको इनका रिजल्ट आने लगता है, और आप जब इनको निरंतर करते चले जाते हैं तब इनका प्रयोग आपका बढ़ता चला जाता है और आपको ग्रह जनित पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलने लगती है। सबसे पहले तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है, आपको तनाव से मुक्ति मिलने लगती है, आपके सोच का दायरा बढ़ने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपके लिए सोच के दायरे बढ़ जाते हैं। आप उन कार्यों को जो आप पहले नहीं सोच पा रहे थे कि आपको किस तरह से करने, उसमें आपको इतने ज़्यादा आपको आइडियाज़ आने लगते हैं कि आप उन कार्यों को कर भी पाते हैं और आपका वो कार्य बन भी जाता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, और घर में भी आपके खुशी का वातावरण रहने लगता है और आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। तो इन प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। 7 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:08 से दोपहर में 1:38 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गिलास दूध में एक हरी इलायची उबालकर अपने ईष्ट को भोग लगाइए। आप किसी भी धर्म में बिलोंग करते हो, क्योंकि ये मेरे प्रयोग सभी धर्मों के लिए समान रूप से हैं। अपने ईष्ट को, जिस भी ईष्ट को आप मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, भोग लगाइए और नाश्ते में इसका प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। आप आज का जादुई अक्षर है टमाटर वाला टा। इस टा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी आप लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे अपने हाथ पर लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे ये धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। इसको आप अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते, एक छोटी सी सफ़ेद की कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, सोते समय तकिए के नीचे रखिए और दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका टा ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं, आप मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, साथ में लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे कि आपके कमेंट को पढ़कर और लोग भी प्रेरित हों इन प्रयोगों को करने के लिए। और मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। आपके किचन के सामान वस्तुओं से, प्राकृतिक वस्तुओं से इन प्रयोगों को
किया जाता है और उनसे शुभता प्राप्त की जाती है। क्योंकि जब भी हम प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग उपाय के तौर पर करते हैं तब वो हमारे लिए विशेष फलदायी होती हैं और हमें उनका असर जल्दी मिल जाता है। इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स में इन मेरे वीडियोस को आप शेयर करते जाएं, जिससे कि और लोग भी शुभता प्राप्त कर सकें। मेरा मकसद यानी मेरा उद्देश्य है कि एक एक मिनट के प्रयोग करके जितने भी इस हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को मैं इन प्रयोगों के द्वारा उनके जीवन में शुभता ला सकूं और वो भी पूजा पाठ के नाम पर, रत्नों के इत्यादि के नाम पर भी अपना धन खर्च ना करें और साथ में अपने इस ठगी से बच सकें। इसके साथ ही जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक वाइट कलर के पेपर पे 3 का अंक लिखकर उसमें 2 हरी इलायची बांधकर, अगर वो अपने पास फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखते हैं, अगर बर्थडे है तो वो व्यक्ति या महिला रखें और अगर मैरिज एनिवर्सरी तो पति पत्नी दोनों रखें। ये प्रयोग उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे अपनी किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोस को आप शेयर करते जाएं, जिससे कोई और व्यक्ति जिसे इन सब की प्रयोगों की ज़रूरत हो वो इन प्रयोग करके शुभता प्राप्त कर सके। इसके साथ ही अगर वो व्यक्ति आपके वीडियोस देख के, आपके द्वारा फॉरवर्ड किए हुए वीडियो देख के अगर वो अपने जीवन में कुछ सुख प्राप्त कर सकता है तो वो आपको ही दुआएं देगा। इसलिए इस प्रयोग को आप फॉरवर्ड करते चलें, क्योंकि मेरा मानना है सुखी जीवन और धनवान होना हर व्यक्ति का अधिकार है और उसे ये अधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। तो क्यों ना इन छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा आप इन अपनी जीवन की हर इच्छा को पूरा कर लें। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ।